तसव्वुर तो करें, अगर शीयत में से मजलिस को निकाल दो बचता क्या है। यानी पांच मिनट के लिए सोचो, अगर मजलिसे शीयत से निकल जाएं, मुहर्रम और सफर निकल जाए, कि इमाम खुमैनी का जुमला है, अगर इस्लाम बाकी है तो मुहर्रम और सफर की वजह से बाकी है। अगर ये मुहर्रम और सफर ना हो, नस्लें हमारी तबाह हो जाएं, दीन हमें कहां से मिले। दूसरा, ये भी एजाज इमाम है, इस पर गौर करना कि ऐसा क्या होता है मुहर्रम जब आता है तो बंदा खुश खुश होता है, जैसे मुहर्रम आता है दिल गमगीन हो जाते हैं, रिक्कतकारी हो जाती है। वो कौन सा ऐसा जादू है जो मुहर्रम में होता है, बंदे बदल जाते हैं, मिजाज बदल जाते हैं, दिल नरम हो जाते हैं, अखलाक बदल जाते हैं। वही रंग तुझे अरबईन में भी नजर आता है कि जो बंदा अपने घर से आधे किलोमीटर के लिए भी जाता है तो गाड़ी पे चढ़ के जाता है कि मुझे फला स्टोर से पानी की बोतल लेकर आनी है, बच्चों के लिए दूध लाना है, पता भी है दुकान पैदल जाऊंगा तो मैक्सिमम 10 मिनट्स, नहीं जाता, गाड़ी पे जाता है। लेकिन इसे क्या होता है, जब अरबईन में जाता है 100-100 किलोमीटर पैदल चलता है, मिजाज बदल जाता है, रंग बदल जाता है इंसान का, ये अपने असली रंग में आना शुरू हो जाता है। इसमें करबला का रंग आता है, करबला में इसार था, करबला में कुर्बानी थी, करबला में जहमत थी, करबला में जिस्म को जहमतों में डालने का तसव्वुर था, वही तसव्वुर जब करबला जाता है इसके अंदर पैदा होता है कि छोटी बच्ची खड़ी हो जाती है, कहती है मुझसे पानी ले ले, जो बड़ी मुश्किल से अपने कपड़े धोता है मुहर्रम जिस अरबईन में, लोगों को कहता है आओ मैं तेरे कपड़े धोता हूं, तू सो जा मैं तेरे पांव दबाता हूं। कितने दिन इंसान किसको खिलाएगा, मुहर्रम में हर बंदा कहता है खाना खाओ, ये कौन सा रंग है, रंगे हुसैन नहीं है, सबके घर अली जैसे नहीं बन जाते कि मौला का दरवाजा खुला है, कोई भी फकीर आए खाए अली किसी को रोकते नहीं, कोई मिस्कीन आए अली किसी को रोकते नहीं, रात के अंधेरे में फकीर बैठाए, कभी पांव दबा रहे हैं, कभी अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। क्या हो जाता है लोगों को, अना खत्म हो जाती है, तकब्बुर खत्म हो जाता है, ईसार ही ईसार नजर आता है, बच्चे से जवां, जवां से जवां, बूढ़े से बूढ़ा खड़ा है कि एक लुकमा मेरे न्याज से उठा ले, एक कदम मेरे घर आ जा। इतनी खिदमत, इंसान खादिम बनने का जज्बा, फिर जैसे अरबईन से पाकिस्तान, फिर वैसे खालिस्तान हो जाता है। क्या था अरबईन में, मुहर्रम में ऐसा क्या होता है, हम बदल जाते हैं, दिल नरम हो जाते हैं, मुहर्रम में हम बहुत करीब हो जाते हैं खुदा के, खुदा ना कहूं बल्कि ये कहूं अपनी हकीकत के करीब हो जाते हैं। कोई इंसान बुरा नहीं है, हर बच्चा फितरत इस्लाम, क्योंकि इसके अंदर रूह खुदा है। कहा क्यों, कहा जो असरात हुज्जत खुदा पे तारी होते हैं वो उसके मानने वालों पर भी तारी हो जाते हैं, क्योंकि तुम सब 12वें के मानने वाले हो, तुमने उसके साथ वादे बैअत किया है, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद अलियुन अलीउल्लाह पढ़ा है। हर शिये का दिल मुत्तसिल होता है अपने इमाम के साथ, उस इमाम पे जो असरात पड़ते हैं वो तुम्हारे ऊपर भी पड़ते हैं। का जैसे मुहर्रम का चांद नजर आता है, महदी जहरा का दिल गमगीन हो जाता है, और जैसे उसका दिल गमगीन होता है तेरे दिल पर भी असर पड़ जाता है। तो जब उसका दिल खुश होता है तेरे अंदर भी खुशी आती है, क्योंकि तुम्हारा इत्तसाल है अपने इमाम के साथ। अब ये इत्तसाल जितना मजबूत होता जाएगा उतना अपने इमाम जमाना के अहवालात को महसूस करते जाओगे। फिर वो जुमले ऐन अल हसनो ऐन अल हुसैन ऐन अबनाउल हुसैन, कहां है हसन, कहां है हुसैन, कहां है हुसैन के बच्चे, कि जमीन प्यासी है जहां जुल्म और जोर भर चुका है, जमीन की प्यास को कौन बुझाएगा, हुज्जत खुदा।
अगर उसके असर को महसूस, ये मुहर्रम में मौजजा नहीं है, आप क्यों मुहर्रम में बदल जाते हो? ये हुज्जत खुदा की वजह से, क्योंकि उसका दिल गमगीन है तो तेरा दिल भी क्या हो जाता है, गमगीन हो जाता है। अब इस इत्तसाल को बाकी रखना है, कम अज कम अपनी नमाजों में, बस दूसरी रकत में कुनूत में इमाम ज़माना की दुआ पढ़ा करो, यही अल्लाहुम्मा कुल वली कल हुज्जत इब्ने हसन, कम अज कम सुबह ज़ियारत आले यासीन, नहीं तो दुआए अहद पढ़ा करो, बैअतन फी उनुकी, ऐ मौला मेरी गर्दन पर आपकी बैअत है। उसके जुमले तर्जुमा तो पढ़ो, दुआए अहद का कितना प्यारा है, कि जब मर जाऊं मौला अगर सच्चा आशिक हूंगा तो मुझे कफन के साथ कब्र से बुलंद करिएगा और मैं तलवार लेकर आपके लश्कर में आपका मुआविन बनूंगा। ये सारी सिफात दुआए अहद में, और उलमा फरमाते हैं अगर कोई खुलूस दिल से 40 दिन सुबह दुआए अहद पढ़े, अहद मतलब मौला के साथ बेअत, उसमें सारी तुम क्या बेअत कर रहे हो पहले तर्जुमा पढ़ना, उसके बाद दुआ पढ़ते रहो, तर्जुमा एक बार जहन में आ जाएगा। اللهم رب نور العظيم رب الكرسي الرفيع والبحر المسجور منزل التوراة والإنجيل والزبور, شروع سے شروع کرو اور آخر تک چلے جاؤ, اس میں کیا کیا وعدے کر رہے ہو, کون سا عہد امام سے لے رہے ہو, کہ 40 صبح اگر کوئی خلوص دل سے دعائے عہد پڑھے اور جو عہد کر رہا ہے اس پہ عمل کرے تو 40 صبح کے بعد امام زمانہ اسے اپنی زیارت نصیب کرواتے ہیں। ये चीजें हैं, जहमत की किसी ने, कोशिश की किसी ने, किसी मोमिन ने कहा मौलाना दिल मुर्दा हो चुका इसके लिए हम क्या करें, ये भी मासूम फरमाते हैं कि नमाज तहज्जुद से पहले 10 मिनट पहले उठ जाओ, 15 मिनट पहले उठ जाओ, आधा घंटा पहले उठ जाओ, मतलब आधी रात को उठो। मैंने कहा ना कसरत से निकल के वहदत में जाओ, अभी तुम लोगों में हो, जब वहदत में जाते हो तो खुदा के ज्यादा करीब होते हो। आप अपने आशिक से लोगों 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 में मिलना चाहते हो तन्हाई में, जिसका बंदा आशिक हो लोगों में उसके साथ मिलना पसंद करेगा तन्हाई में, तन्हाई में तो अल्लाह को भी पसंद है उसका मशूक उसके साथ तन्हाई में मिले, तन्हाई में बातें करे, तन्हाई में राजो न्याज करे। उलमा फरमाते हैं आधा घंटा एक घंटा पहले उठ जाओ, 5000 मर्तबा या हय्यो या कय्यूम या मन ला इलाहा इल्ला अंत, क्या खुदा तू हय है तू बाकी है, मेरे दिल जो मुर्दा हो चुका है उसे जिंदा कर, इसकी कसाफतों को दूर कर, या मन ला इलाहा इल्ला अंत, अय वो खुदा जिसके अलावा मेरा कोई इलाह नहीं, इलाह का मतलब है मशूक। कुरान की आयत पढ़ाऊं, मन तखज़ इलाहु हवा, जिसने अपना इलाह अपनी हवा वो हवा से नफ्स को बनाया, इलाह का मतलब आशिक है, ला इलाह इल्लल्लाह, तेरा कोई मशूक नहीं सिवाय अल्लाह के, अगर तूने किसी और को अपना मशूक बनाया वो तेरा अल्लाह है, अगर सुबह से शाम तक तू क्रिकेट का दीवाना है तेरा मशूक क्रिकेट है, किसी खातून का दीवाना है वो तेरा इलाह है, पैसे के पीछे है ये तेरा इलाह है, पेट का पुजारी ये तेरा इलाह है, अल्लाह तेरा इलाह नहीं है, जिसका इश्क तेरे दिल में होता है वो तेरा इलाह होता है, क्योंकि जिसका आशिक होता है वो तुझे कंट्रोल करता है। अगर तू आशिक खुदा बनेगा तेरे बॉडी को कंट्रोल कौन करेगा, खुदा करेगा। कई गधे आपने देखे उनके सामने गाजर लटकाते हैं, दौड़ते रहते हैं गाजर के पीछे, आजकल के इंसान नुमा गधों के पीछे पैसा लगो दौड़ता रहेगा, इधर इधर जहां घुमाना है, इज्जतें बेचते हैं लोग, इफ्फतें बेचते हैं, इस्मत दरिया होती हैं पैसों के लिए। एक घंटे डांस के मसलन किसी को 20 लाख मिले, वो 20 लाख के लिए अपनी इज्जत को पामाल कर देती है, पैसे के लिए इंसान खुद को बेच देता है। इसका इलाह पैसा बन चुका है, यजीद का इलाह हुकूमत थी, शिमर का इलाह माल था, काजी शुरे का इलाह सिक्का और दिरहम था, इब्ने साद का इलाह रय की हुकूमत थी, और हुसैन का इलाह अल्लाह था, जिसने अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान किया। तेरा इलाह कौन है, हवा व हवस नफ्स है, तुझे कौन कंट्रोल करता है, खुदा या हवा व हवस नफ्स,
हर चीज उसके राह में होनी चाहिए। जब तेरा इलाह खुदा बन जाए, जब तेरा मशूक खुदा बन जाए, जब तू हर शय उसकी रजा के लिए करे, फिर देख ततनज़्ज़लो अलैहिल मलाइका, खुदा अपने मलाइकों को तेरा नौकर बना के तेरे सर पे नाजिल करता है। फिर नुखदती की तरह जो तू कहेगा वो सुनेगा। इंसान बड़ा या चूंटी या मकड़ी, इंसान का दर्जा बुलंद है ना, फिर यही हैवानात तेरे नौकर बन जाते हैं, जिन्नात तेरी इताअत में आ जाते हैं, जमीन व आसमान तेरी इताअत में आ जाते हैं, अगर तू मुती परवरदिगार आलम बने। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। आसान है